दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का नाम का बहुत बड़ा महत्व रहता है। नामकरण होने के बाद से ही व्यक्ति को हम उसी नाम से पहचानते हैं। अगर व्यक्ति का नाम ठीक तरीके से रखा जाए तो व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से हम लोग व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसके लव लाइफ पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। उसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों का नाम एन अक्षर से शुरू होता है उन लोगों का लव लाइफ करियर और पर्सनैलिटी के बारे में। आएगा सुबह सप्तरी शुभजी भट्टाचार्य और शुभ टी वी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसको फ्री नोटिफिकेशन आपका चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति का नाम कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेपोलियन, नरेंद्र मोदी, नसीरुद्दीन शाह, नारायण मूर्ति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप सभी शायद इन नामों से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। इन नामों का शुरुआत भी इन अक्षर से हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊँगा जिन लोगों का नाम इन अक्षर शुरू होता है उनका लव लाइफ करियर और उनके फ्यूचर के बारे में। तो अगर आप इन अक्षर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अपने दोनों सिद्धांतों पे खड़ा है और बहुत मुश्किल से ये दोनों सिद्धांत को एक जगह पे आने ला रहे हैं। तो इसका मतलब उनके जीवन में संघर्ष रहता है और संघर्ष जो रहता है उसके लिए कामयाब होने के लिए जीत ज़रूरत होती है और जीत यहाँ पर थोड़ा सा मंगल भी काम करता है इन लोगों लाइफ में। और अंकज्योति के माध्यम से लोग नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बुध को। तो इनके अंदर इन दोनों पैरेंट की थोड़ी सी क्वालिटी रहती है। ये लोग आमतौर पर बहुत ही स्मार्ट होते हैं, आंखें बड़ी होती है, थोड़ा आकर्षण होते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ये लोग जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम और बाधाएं आती रहती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और उस प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते ये लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसके कारण फ्यूचर में कामयाबी बहुत जल्दी ये लोग हासिल कर लेते हैं। इन लोगों की खास क्वालिटी रहती है कहीं भी जाए किसी के साथ मिले बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती का हाथ ये लोग पहले से ही बढ़ाता रहते हैं। कहीं कॉफ़ी पीने गए, किसी आदमी से मुलाकात हुई, दोस्ती कर ली, ये लोग दोस्ती करने से कभी नहीं चूकते और चाहते भी है कि दोस्ती हमेशा बनी रहे। इन लोगों की तरफ से हमेशा हाथ बड़े हुए होते हैं, पैर बड़े हुए होते दोस्ती के लिए। ये लोग मौका बरुस होते हैं, कभी भी मौका देख के चौका मारने में कामयाब रहते हैं ये लोग। ये लोग मौके को नहीं छोड़ते एकदम। ये लोग बहुत ही कर्तव्य पालन करते हैं, जिम्मेदार है, मजबूत है अपनी तरफ, किसी भी काम करते हैं, जितनी भी बाधा है काम को ख़त्म करने में फिनिशर है ये लोग, फिनिश करके ही सोचते हैं, कभी भी बीच में नहीं सोचते लोग। इनका जीवन चाहते बहुत ही सरल तरीके से जिए, शुद्ध जिए। इनका दिल बहुत ही नरम और साफ होता है। ये लोग दूसरों को मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको हमेशा कुछ ना कुछ सब कुछ चीज़ों का एनालिसिस करने का एक शौक़ रहता है, हर चीज़ को एनालाइज करने की एक जिद रहती है इनमें, और इस जीत के कारण ही लोग बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर मैं इन लोगों के करियर को लेकर बात करूँ, ये लोग जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत और लगन करते हैं। ये लोग दोनों सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं जिसके कारण मेहनत कामयाब होता है, देर से ही सही लेकिन इन लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलती है अगर ये लोग हटेंगे नहीं। इन लोगों का हर चीज़ को एनालाइज करने का एक शौक रहता है जिसके कारण हर चीज़ को परफेक्ट करने की एक चाह रहती है और करके भी दिखाते। ये लोग काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, काम को लेकर कभी भी समझौता नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, ये लोग मौका पर और दोस्ती करने में यकीन रखते, जिसके कारण बहुत जल्दी इन लोगों का काम भी बन जाता है, बहुत दोस्त इनका मदद भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इन लोगों का वाणी बहुत ही अच्छा है, इन लोगों को पता है बातों से कैसे खेलते हैं, अब एक काम को कैसे दूसरों से करवाया जाए। इन लोगों के अंदर एक खास क्वालिटी रहती है बुध की, और जीत मंगल की रहती है, पराक्रम मंगल की रहती है। तो ये लोग काम को लेकर कभी समझौता नहीं करते, जिसके कारण बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करते किसी भी फील्ड में, खासकर राजनीति, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री, आप लोग बिजनेस ले लीजिए, प्रोफेशन इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है हर लाइन। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है और देर से सही लेकिन मिलता है कामयाबी। अगर इन लोगों की लव लाइफ के लिए बात करें, ये लोग बहुत सीरियस रहते हैं, लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इन लोगों के लिए, बहुत ही रोमांटिक होते हैं। इनके लिए हर रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो प्यार हो अपना। एक बार किसी को चाह लिया तो पीछे नहीं हटते, थोड़ा फ्लर्टी टाइप के होते हैं,
थोड़ा सा चंचल स्वभाव इनमें रहता है, लेकिन एक बार किसे प्यार कर लिए तो कर लिया छोड़ते नहीं, एकदम उसको पाने के लिए हर मुश्किल कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और कभी कभी देखा कि एक अच्छी लेडी लक पर अच्छे प्यार के खातिर ये लोग बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, बहुत ऊँचाई तक चले जाते हैं। इन लोगों का संतान सुख बहुत ही अच्छा होता है, ये लोग चाहते हैं अपने संतान को मल्टी टेनेंटेड बनाना, और शायद बना भी लेते हैं बहुत जल्दी। इन लोगों के लाइफ में दो मकसद रहते हैं, एक रोमांटिक होना, एक धर्म की तरफ जाना। अगर लोग धर्म की तरफ जाए तो रोमांटिक कम होते हैं, अगर धर्म की तरफ ना जाए तो रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इन लोगों का मैरिज लाइफ दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहता है, ये लोग कभी भी दुखी नहीं करना चाहते, अपने प्यार को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, इसी तरह मेरे बाकी वीडियो भी देखते रहना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेरे वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, और मेरी बाकी प्ले लिस्ट का भी नीचे लिंक दे दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।